हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में GAR मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स। दोस्तों, आज मेरे पास बजाज की एक मोटरसाइकिल आई है, बजाज डिस्कवर 100 CC, जो कि वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है और वो गाड़ी ऑयल खा रही है और उसके पिस्टन भी आवाज़ कर रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास जो बाइक आई है उसकी क्या कंडीशन है और फिर फटाफट से उसको खोलते हैं और देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको सही करते हैं। तो दोस्तों, ये बाइक आई हुई है हमारे पास बजाज के डिस्कवर 100 CC और इसका इंजन वाइट स्मोक की प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये बाइक वाइट स्मोक दे रही है, तो फटाफट से हम इसको खोलते हैं और एक बार मैं इसका इंजन का साउंड आपको सुना देता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर पिस्टन की आवाज़ आ रही है, तो फटाफट से इसका एडजस्टमेंट खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हमने ये बाइक खोल ली है और इसके अंदर ये पिस्टन था जो फ्रीज मारा हुआ था, इस वजह से ये गाड़ी ऑयल उठा रही थी। और ये इसकी क्रेंग है जो कि बिल्कुल सही है। तो हम इसका हाफ इंजन का काम करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर हम पिस्टन डालेंगे और ये इसके वॉल है, ये वॉल रिप्लेसमेंट करेंगे। साथ में इसकी टाइमिंग चेन होती है वो चेंज करेंगे ये, और इसकी क्लच प्लेटें वगैरह भी चेंज करेंगे। तो फटाफट से इस पूरे सामान को पेट्रोल से वॉश करते हैं, सिलेंडर में पिस्टन बोर करवाते हैं और वॉल ग्राइंडिंग करा के पैकिंग लगा के टाइमिंग चेन और क्लच प्लेट डाल के इसको फिट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको फिट करें जिससे इसकी वाइट स्मोक की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, हमने इसके रिपेयरिंग का पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। ये हमने नया पिस्टन इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है और ये हमने हेड भी कंप्लीट कर दिया है, इसमें रोकर केम लगा के हमने नए वॉल भी लगा दिए। और फटाफट से हम इसमें पैकिंग लगाते हैं और इसमें सिलेंडर लगा के इसको कंप्लीट करते हैं और इसकी जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी वो दूर करते हैं। हमें सिलेंडर को गोल करके अंदर डालना है, ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, ये हमारा पिस्टन इसमें बैठ गया है, अब हमें सिलेंडर को इसके अंदर इंस्टॉल करना है। इससे हमें पता लग जाएगा हमारे पिस्टन की रिंग अच्छे से बैठी है या नहीं, और इसको टॉप में लेके छोड़ देते हैं। हम इसमें फटाफट से इसका हेड भी लगा देते हैं, उससे पहले हमें दो डाउले लगानी है। चेन गाड़ियाँ नीचे बैठना चाहिए इसके खांचे में और ऊपर भी ये खांचा है इसका, इस जगह पे दोनों जगह ये बैठना चाहिए। उसके बाद अब हम इसकी हेड की पैकिंग लगाएंगे और फिर इसमें हेड लगाते हैं। ये हमारा हेड भी बैठ गया है। और दोस्तों, एक बोल्ट इसका ये हेड सिलेंडर के इस वाले हिस्से में लगेगा, फटाफट से चारों पांचों बोल्टों को कस देते हैं। दोस्तों, इनको क्रॉस में कसना है।
अब हम इसमें टाइमिंग चेन लगाएंगे। दोस्तों ये टाइमिंग चेन बैठ गई है, अब हम केम स्पॉकेट लगाएंगे। उससे पहले इसके पीछे एक बुश लगता है, वो बुश लगाएंगे। ये बुश होता है, ये यहाँ लगेगा, उसके बाद ये स्पॉकेट। दोस्तों अभी इस समय हमारा पिस्टन टॉप में है, इसलिए हमें टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट तरीके से मिलानी है। बाद में लगाने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। दोस्तों ये एरो के निशान दोनों आमने सामने होने चाहिए, टी का निशान ऊपर होना चाहिए, पिस्टन टॉप में होना चाहिए और दोनों वाले समय फ्री होने चाहिए, यानी रोकर दोनों फ्री होने चाहिए। ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है बजाज डिस्कवर की। दोस्तों अब इस पॉकेट का बोल्ट लगाएंगे। इसमें एक वाशर होता है जिसमें एक कट बना हुआ रहता है, तो ये कट वाला हिस्सा अंदर की तरफ रख के इस तरीके से, और हमें ये बोल्ट लगाना है। दोस्तों इस बोल्ट को कसने के लिए हमें इस पॉकेट को रोकना होगा, उसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे। तो ये स्क्रू ड्राइवर इस होल में लगा के हेड पे टच कर लेते हैं और फिर एलंकी से इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। ये हमारा टाइट हो गया अच्छे से। दोस्तों हम चेन टेंशनर को हमने पीछे की तरफ कर रखा था, तब हम उसको भी खोल देते हैं। ये हमारी चेन टाइट हो गई है, अब हम इसके टेपिट सेट करेंगे और फिर ऊपर का कवर लगाएंगे, उसके बाद इसकी क्लच फिटिंग करेंगे। दोस्तों हमें इसके अंदर आड़ी प्ले रखनी है, खड़ी प्ले नहीं रखनी है टेपिटों की, नहीं तो ये आवाज़ करेंगे। तो ये आड़ी प्ले रखनी है, खड़ी प्ले नहीं रखनी है, हल्की सी खड़ी प्ले साइलेंसर वाले रॉकर में रखनी है। दोस्तों अब ये कवर लगा देते हैं हम और इसके चारों बोल्ट लगा के इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने कस दिया दोस्तों। अब हम स्पार्क प्लग की कैप भी लगा देते हैं। इसको लगाने से पहले इस पर हल्का हल्का मोबिल लगा देते हैं, जिससे यहाँ अंदर की रबड़ रिंग है उसमें खिंचाव नहीं आएगा और ये आराम से बैठ जाएगा। बैठ गया है। इसके नीचे एलंकी का बोर्ड लगा हुआ है, अब हम ये भी कस देते हैं। दोस्तों हम ये चेन टेंशनर के पीछे जो 10 नंबर का बोल्ट है वो लगा के कंप्लीट कर देते हैं, इससे हमारा हेड सिलेंडर का ओवरऑल पूरा काम हो जाएगा। अब हम इसका क्लच फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पीछे की तरफ एक मोटा वाशर होता है वो रखेंगे, उसके बाद इसकी ये पिन रखेंगे, उसके बाद ये हमारा क्लच कटोरा। इसके बाद एक मोटा वाशर इसके ऊपर की तरफ, और उसके बाद ये नई क्लच प्लेटें डालेंगे जो कि एंड्योरेंस कंपनी की है, बजाज का जेनिन पार्ट का पार्टनर है ये। ये हमारा हब जो कि सही था, हम जो इसलिए पुराना ही लगा रहे हैं। तो अब एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट फटाफट से इसमें रखे जाते हैं। ये हमारी प्लेटें लग गई है, अब हम इसके ऊपर क्लच सेंटर रखेंगे और फिर इसको क्लच प्लेटों के सारे ग्रुप को एक जगह करके फिर इसमें बैठाएंगे। इसको गोल गोल करके बैठाना है
और लास्ट की प्लेट को बाहर वाले ग्रुप में छोड़ देना। ये हमारा बैठ गया है। अब हम इसके पीछे एक मोटा वाशर लगाएंगे, उसके बाद इसका ये पतला वाशर और फिर इसका ये नट लगाएंगे। दोस्तों इस नट के अंदर उल्टी चूड़ी है, क्योंकि इसके अंदर कट लगा हुआ है इसलिए ये चूड़ी उल्टी है। दोस्तों ये नट कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी स्प्रिंग लगाते हैं और फिर इसकी प्लेट लगा के फटाफट से क्लच सेंटर की इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ एक बेरिंग लगता है, हम बेरिंग भी लगा देते हैं। और एक एक शाफ्ट के ऊपर एक वाशर होता है पतला सा, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये चैम्बर को क्रैक कर देगा। तो ये क्लच का हमारा ओवरऑल पूरा काम हो चुका है। ये डाउल लगती है यहाँ पे, जो ऑयल में प्रेशर का काम करती है, ये भी हमने लगा दिए। तो दोस्तों हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ क्लच कवर की हमें पैकिंग लगानी है और फिर जो कि हम सुबह लगाएंगे, क्योंकि अभी रात के 11 बज रहे हैं, अभी हम खुद भी काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो सुबह हम इसकी पैकिंग लगाएंगे, इसमें ऑयल डालेंगे और फिर साइलेंसर लगा के इसको स्टार्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसमें जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी वो दूर हुई है या नहीं हुई। Thank you.
तो दोस्तों हमने ओवरऑल इसका पूरा कंप्लीट काम कर लिया है, अब लास्ट में सिर्फ इसको स्टार्ट करना बाकी रह गया है। तो बाइक में मैंने इसमें साइलेंसर भी लगा दिया और पेट्रोल टैंक भी लगा दिया, और अभी थोड़ी देर पहले इसमें ऑयल भी डाला था। बाकी काम हमने इसमें रात को किया था, सुबह हमने इसमें सिर्फ क्लच कवर लगाया और ऑयल फिल्टर चेंज किया है और पूरी गाड़ी की फिटिंग करी है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड किस तरीके का। दोस्तों इस बाइक का साउंड बिल्कुल जेन्युइन साउंड हो चुका है। पहले इसके अंदर पिस्टन सीज था, इस वजह से खटखट की आवाज़ आ रही थी, अब इस तरीके का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। मैं आपको सुना देता हूँ, इसका साउंड भी पहले से काफ़ी बेहतरीन हो गया है। अब हम इस गाड़ी की वॉशिंग करेंगे और कस्टमर को ये गाड़ी देंगे, और गाड़ी देने से पहले हम इसको एक घंटे खड़ी खड़ी चलाएंगे, जिससे इसमें जो साइलेंसर में पहले का जो ऑयल भरा हुआ है वो गर्म होकर निकल जाए। मैं आपको एक बार इसकी वाइट स्मोक की जो प्रॉब्लम थी वो आपको दिखा देता हूँ कि अब इसमें स्मोक जो भरा हुआ है वो ही आ रहा है, इसके अलावा किसी तरीके का कोई स्मोक नहीं आ रहा है, और गाड़ी का साउंड भी पहले से बेहतरीन हो गया है। स्मोक आपको दिख रहा है, ये साइलेंसर में पहले का भरा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पहले का भरा हुआ है, इसलिए ये गर्म होके आ रहा है। तो जब हम इसको एक घंटे खड़ी खड़ी गाड़ी को चलाएंगे तो ये सारा ऑयल जल के बाहर निकल जाएगा, उसके बाद साइलेंसर क्लीन हो जाएगा और फिर वाइट स्मोक की किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने डिस्कवर 100cc बाइक में जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी वो दूर करी, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डाली वो आपने देख ही लिया। चाहेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो हम लेके आते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।